आपने क्या कहा? बलात्कार का मुकदमा, FIR की कॉपी दिखा रहे हो? अरे झूठे आदमी, बेशरम, बेहया, मुझे ये बता कि किस न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद लंबित है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है बलात्कार का, तू जो झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करता है। भाई बहुत ही हंसी आई इस जोकर के बेवकूफाना हरकत पे। भाई इतना क्यों बौखला गया बेटे, 10 साल छोटा है, छोटा भाई बेटे के बराबर ही होता है। अरे जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे कि सूखा पत्ता पेड़ पे गिरने से पहले फड़फड़ाता है, दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है। ठीक है तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी विधायकी की जाने वाली है, लेकिन मर्द बनो बेटा। मानसिक संतुलन खो गया है या तुम्हारी परवरिश ही ऐसे संस्कारों में हुई है जहां पर लोगों के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर बदतमीजी से बात करते हैं? 50 बार कहा है कि मेरे माँ बाप के बारे में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर प्रणव सिंह, मत किया कर। माँ बाप तेरे भी हैं और मैं तेरे माँ बाप के बारे में तमीज से बात कभी मैंने आज तक नाम नहीं लिया होगा। वैसे तो एक बात, बाप की औलाद कुछ नहीं, क्या कहूँ? अगर तू कितने भी बाप की औलाद हुआ और अपनी माँ का दूध पिया है तो उसे लजामत। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शेर की एक दाड़ में कुत्ते तुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर, और मर्द है तो आमने सामने, मेरे सामने मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ, लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है, तेरी पेंट गीली हो जाएगी। कुंवर प्रणव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मैं उनके काम का श्रेय लेना चाहता हूं, या मैं उनके काम का श्रेय लेता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2019 में अगर आपने पत्र लिखा था तो क्या 4 साल सरकार सोई हुई थी और 4 साल बाद आपके पत्र का संज्ञान ले लिया? कोई भी विधायक अपने क्षेत्र की हर समस्या मुख्यमंत्री को या मंत्री को लिखता है और पत्र भी लिखता है, आपके पत्र की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप रोज एक पत्र निकाल के दिखा देते हो, कोई भी काम मैं कराता हूं आप एक पत्र दिखा देते हो, मैंने पत्र लगाया था। क्या ऑथेंटिसिटी है इस पत्र की? कहां लिखा हुआ है कि इस योजना को माननीय पूर्व विधायक के पत्र का संज्ञान लेकर किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक से 10 योजनाएं मांगी, उन 10 योजनाओं में मैंने 10 की 10 योजनाएं दी, जिसमें खानपुर के अंदर उपजिला अस्पताल, लक्सर भुरनी कुआं खेड़े वाला बाईपास और मोहनपुरा ढंडेरा के पानी की निकासी, ये मेरी 10 योजनाएं थी, जिनमें 2 योजनाएं पहले पूरी हो चुकी हैं, तीसरी के आदेश हुए हैं। अपना मानसिक संतुलन संभाल के रखा करो और भाषा को संयम से इस्तेमाल करो। अपनी भाषा का इस्तेमाल इतना नाजायज मत करो कि किसी दिन मेरा पारा चढ़ जाए कहीं और। आपको तमीज नहीं है किसी विधायक के बारे में कैसे बात की जाती है? हैं? आपको अपनी भाषा का संयम नहीं है? आपने क्या कहा? बलात्कार का मुकदमा, FIR की कॉपी दिखा रहे हो? अरे झूठे आदमी, बेशरम, बेहया, मुझे ये बता कि किस न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद लंबित है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है बलात्कार का, तू जो झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करता है। अपने दिमाग को होश में रखा कर, सीमा होती है किसी बात की? तेरे पागलपन को मैं बर्दाश्त करता हूं इसलिए क्योंकि रोज 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 जवाब देना ठीक नहीं होता किसी को। भाई बहुत ही हंसी आई इस जोकर के बेवकूफाना हरकत पे। भाई इतना क्यों बौखला गया बेटे, 10 साल छोटा है, तू छोटा भाई बेटे के बराबर ही होता है। अरे जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे कि सूखा पत्ता पेड़ पे गिरने से पहले फड़फड़ाता है, दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है। ठीक है तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी विधायकी की जाने वाली है, लेकिन मर्द बनो बेटा। ना मर्द की तरह क्यों कर रहे हो रोना पीटना? पूरी तरह पसीना आ रहा है एयर कंडीशन कमरे में, रोने को उतारू, नाक से सिनक निकलने को तैयार, तरह तरह के आरोप मुझ पर लगा रहे हो, मुझे बेइज्जती करने का कुचेष्टा कर रहे हो। अरे तुम्हारी गंदी जबान से निकलने वाले शब्दों से हमें क्या फर्क पड़ रहा? और अब देखिए ऐसा है, अभी तक तो हम मूड में नहीं थे इस नामर्दी के जो तुम करते हो कैमरे के सामने बैठ करके, क्योंकि मैं महामर्द हूं, मैं मैदान में लड़ता हूं, तुम्हें आना तो चाहिए था मैदान में, वहां ललकारते हम।
लेकिन चलो जो जैसा है उसको वैसे जवाब देना पड़ता है। जिस तरह से शेर को देख के कुत्ता घबरा जाता है और अपनी मां मां के भौंकने लगता है, वही लगा मुझे कल देख के तुम्हें। तुम्हारा असलियत कहने के लिए मुझे मेरे लोगों ने बाध्य किया और मैं शुरू कर रहा हूं कि तुम जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, जो अपराधी रहा हो, चोर रहा हो, जेल गया हो, उसको क्या अधिकार है बोलने का भाई? क्यों सोनू बब्बर, झटका लगा सुन के? सोनू उमेश नहीं, सोनू। चल मिलक दुहाई में चलते हैं बे, जहां तू और तेरा परिवार, जो निठहरा दादरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेश भाटी जी, उनके साले चौधरी अशोक गुजर जी और रईस एडवोकेट राजा त्यागी जी के होटल पे जो तूने रहा खाया, अपना तथाकथित शर्मा होटल, मरहूम जगदीश जी जो तुम्हारे फादर, अब फादर की बात आ गई तो हो देखना पड़ेगा भाई कितने बाप हैं तुम्हारे। यार अपनी सीमाओं में रह, भूल गया वो दिन? भूल गया जिस दिन तेरे पीछे हरीश रावत पड़ा था और तू मेरे घर के दरवाजे पे माथा टेक रहा था आधी रात में? भूल गया? भूल गया वो दिन जब तू पार्टी से एक्सपेल हो गया था, तुझे निकाल दिया गया था विधानसभा से, तेरे को एक्सपेल कर दिया गया, तब रात को मेरे सामने रो रहा था? भूल गया अपना वक्त? अपना वक्त भूल गया जब तेरे पीछे पुलिस पड़ी थी आधी रात में और तू मेरे चैनल के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया तो मैं हरीश रावत से तेरे लिए लड़ा था? भाषा को नियंत्रण में रख, आ गई बात समझ में? तेरी आंख मेंढक जैसी। अबे मेंढक कह दिया तो क्या हो गया, क्यों जल गई तेरी? मेंढक भला शेर का मुकाबला कैसे करेगा? अपनी फोटो तो देख जो मेरे बगल में तू बैठा हुआ है, कैसा मुर्दार लग रहा है, मुझसे मुकाबला कहां करेगा तू? और ये अतिशोक्ति नहीं है कहने में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कि तीसरा बाप तुझे मैं ही मिला हूं। हमारे उत्तराखंड के सीधे भले राजनीतिज्ञ बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए या मुख्यमंत्री, वो शराफत की वजह से नहीं बोलते थे, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। तू भी हमारे पास उठता बैठता था जब सुबोध उनियाल भाई के यहां आते जाते थे और वो तुझे चमचे की तरह ट्रीट किया करता था। सुबोध भूला नहीं हूं मैं, 20-21 साल पुरानी बात। और आज भी तूने चाहे स्टिंग से, ब्लैकमेलिंग से, नंबर दो के काम करके पैसा कमा लिया हो, लेकिन ऐसे पैसे की कोई औकात नहीं। जूते की टॉप पे रखता हूं उसे, जूते के ऊपर माई लेफ्ट फुट एंड माई राइट टो, कोई औकात नहीं है। आई डोंट टेक रास्कल्स लाइक यू। मर्यादा नहीं है बेशरम आदमी, बात करने की तमीज नहीं है? कैसे एक विधायक के साथ बात की जाती है? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कैसे बुलाया जाता है? झूठा, मक्कार, जाहिल, कभी कुछ कभी कुछ। कौन पूछता है तुझे? इस सरकार में भी कोई नहीं पूछता। तेरी हैसियत मुझे पता है, तू मुझे बताएगा? 1.5 साल से तू धक्के खा रहा है मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। क्या करवा दिया तूने मेरे खिलाफ? क्या करवा दिया बता? और तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता प्रणव सिंह, आज बता रहा हूं तेरे को, ध्यान रखना बात को। तेरी हैसियत नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ने की। और खबरदार, अगर तूने मेरे बाप के बारे में एक बार भी, मेरी मां के बारे में एक शब्द भी कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा? समझता क्या अपने आप को? ये गुंडई और तानाशाही किसी और को दिखाना, समझ गया ना? बत्ती बना दूंगा इसकी। तू कैसे मारा मारा फिरता है सरकार में? तेरी हैसियत मुझे पता है मुझे। चल दिखवा तू कोई कार्रवाई करवा के मेरे खिलाफ सरकार से, मैं भी देखता हूं। करवा पाया 1.5 साल में? 6 महीने में मेरी विधायकी खा रहा था तू, 3 महीने में खा पाया मेरी विधायकी? 3 महीने में विधायकी खा जाऊंगा, 3 महीने में आदेश करा दूंगा। करा दिए? अरे जब हर पोस्ट डालता था तो यह भी बता कैसे कोर्ट से तेरे गवाह और तेरे झूठे पेटिशनर नंगे होकर वापस आए, वो नहीं बताया? वो भी डालना। होश में रहा कर, होश में। संवैधानिक पद पर रहा है 20 साल, तमीज सीख। कैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए टिप्पणियां की जाती हैं और कैसे बात की जाती है, मेरे संयम की परीक्षा मत लिया कर। बार बार बलात्कार, बलात्कार का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा, एफआईआर की कॉपी। अरे एफआईआर की कॉपी, मैं तुझे फिर कह रहा हूं कुंवर प्रणव सिंह, अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू साबित करके दिखा कोर्ट में। तू मुझे दिखा किस मामले में मेरे खिलाफ चार्जशीट है, किस मामले में मेरे खिलाफ आरोप पत्र, और किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तू साबित कर दे। मैं इस्तीफा दूंगा, अपने बाप की औलाद हूं। जब तूने बकवास करनी शुरू कर दी तो जरूरी है कि कुत्ते को कुत्ते की जबान में जाके समझाया जाए, वो शेर की जबान नहीं समझेगा।
मेरे साथियों ने, वेल विशर्स ने मुझे कहा, शुभचिंतकों ने, कि ये दो कौड़ी का इंसान इतना भौंक रहा है, वीडियो डाल रहा है, आप कभी जवाब नहीं देते, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि तेरी कोई औकात ही नहीं है, तुझे मैं कुछ समझता नहीं हूं, लेकिन जब तू बकवास कर रहा है, एफआईआर को झुंझुना बता रहा है, अरे एफआईआर औरों के खिलाफ क्यों नहीं हो गई, तेरे खिलाफ क्यों हुई है? क्योंकि तूने अपराध किया है। तेरे ऊपर 30 मुकदमे कैसे हो गए भाई, और किसी पे क्यों ना हो जाए? क्योंकि तू अपराधी है। और उन मुकदमों में वो मुकदमे शामिल नहीं है जो प्रतापपुर जिला मेरठ में जेल गया था, क्यों बे? वो भी तो याद कर ले बे लौंडे, वो भी याद कर। वैसे तो लौंडा कह रहा हूं, लेकिन है तो तू गंजा, नकली बाल रख के अपने गंजपन को छुपाता है। जब त्रिवेंद्र भाई ने तुझे अरेस्ट कराया था तो गंजा ही निकाल के लाया थे तेरे को गाजियाबाद से उत्तराखंड पुलिस। तो हम तो असलियत जानते हैं, हम भी किस दिन मिलकर रैपट मार की तरह वीक उतार देंगे, गंजा करके दिखा देंगे, है क्या तू? तो औकात है तो आमने सामने आ, फेसबुक पे ये ड्रामेबाजी नामर्दी मत कर। अगर महामर्द के सामने आ रहा है तो मुर्दार मत बन, नामर्द मत बन, मर्दा के बन के सामने आ। और वैसे मेरे जोड़ तो तू है कहां, हमारे तो बहुत से चेले ही तेरा इलाज कर देंगे।